चुनावी रण में यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर उतरे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों वाला ही है। बीजेपी की बात करें वो भी कहते हैं कि आप तो वोट कटा हुए हैं। बुड्ढा को और मनोहर लाल को दोनों को मेरे सामने बिठाओ। आप तो अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी साठगांठ है, करनाल सीट पे कमजोर उम्मीदवार उतार दिए। और वीरेंद्र मराठा को कैंडिडेट बनाने के बजाय कैसे मनोहर लाल खट्टर को जिताया जाए। रोहतक सीट जिताने के लिए तो इसने जाटों को मार दिया, केवल अपने बेटे को स्थापित करने के लिए। नवीन जिंदल वो गेहूं का कट्टा उठा रहे, किसान बन रहे हैं, जिसका हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है, कभी एक दिन हरियाणा में आया नहीं। आपने कुरुक्षेत्र सीट को क्यों चुना? आप किसी और सीट पर जा सकते थे। वहाँ लोगों को ये मिलकर के मारने वाले लोग हैं, इनको मारना। लेकिन विरोधी आपके कह रहे कि आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसका वजूद है, किसका वजूद खत्म हो गया, चार को लोग बता दें। लगता है कि राम मंदिर हरियाणा में मुद्दा है। राम मंदिर इन्होंने तब बनाया है, हमारे तो पीढ़ियों से घर में राम मंदिर। आप पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पे करप्शन के आरोप लगाते थे। कोई जांच नहीं कराएंगे, ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। या फिर इनेलो के लोगों के ऊपर आरोप है कि वो धमकी देते हैं, बदतमीजी करते हैं, विरोध करते हैं, किसान नहीं है। मैं तो खूब खुल के कहता हूँ कि विरोध करने वाला हमारी पार्टी का है। क्या चैलेंज हो? चैलेंज दे रहे न्यूज 18 के माध्यम से। मेरे 4 सवालों का जवाब देंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं स्टेश नैन मोड़। चुनावी बिसात बिक चुकी है, यहाँ पर अब चालें चली जा रही है और आज हम है कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में। यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर उतरे हैं, रोचक मुकाबला है और इस वक्त हमारे साथ हैं आईएनएलडी से उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला। किसान किसानी की बात हो रही है तो ट्रैक्टर से अच्छा नहीं हो सकता कि ट्रैक्टर में बैठकर हम चुनावी चर्चा करें। अभय सिंह चौटाला जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। किसान किसानी की बात करेंगे, बाकी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, ट्रैक्टर की सवारी भी करते हैं। चुनावी रण में उतरे, मुद्दा क्या है आपके पास जनता के बीच जाने के लिए? इस मौजूदा सरकार के हर रोज नए मुद्दे आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए सत्ता में है और इस 10 वर्ष में रोज नया मुद्दा दिया है भाजपा ने। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज 20 से ज्यादा बड़े घोटाले हैं, यहाँ इतनी ज्यादा करप्शन बढ़ी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ करप्शन एक मुद्दा है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बहुत बड़ा था प्रधानमंत्री का, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां भी सुरक्षित नहीं, आज जो जॉब करने वाली लड़कियां, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक लड़की कोच लगी, जूनियर कोच, जिसको परमानेंट नहीं रखा गया। उसी के मंत्री ने उसको परमानेंट करने के लिए अपने घर पे बुलाया और बुला करके उस लड़की के साथ दुराचार करने की कोशिश करी। उसने जब सरकार के सामने सारी बातें रखी, मुख्यमंत्री को बताया, गृह मंत्री को बताया, तो बजाय उसको सजा देने की उस लड़की को डराया और धमकाया गया। यहाँ तक भी उसको कहा गया कि अगर तुमने इस मामले को कहीं उजागर किया तो तेरी जॉब भी जाएगी, तेरे खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक मारने तक की धमकियाँ दी। जब उसने मेरे पास आकर के सारी बात बताई तो फिर मैंने उस बात को उठाया पूरा और मुख्यमंत्री ने उस मंत्री को बर्खास्त करने की बजाय, सजा देने की बजाय, महिलाओं को और बेटियों को ये मैसेज देने की बजाय कि हमारी सरकार आपके साथ है, हाउस में ये कहा 3 बार कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। अब खुद वो तो उल्टा आरोप लगा रहे थे आप पर कि सियासी पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई भी लड़की जो अनमैरिड होगी और अच्छे घर से होगी, किसी भी घर से होगी, हर लड़की को अपनी इज्जत प्यारी है। क्यों वो ये बिना मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाए? और किसी पे तो नहीं लगाई आरोप। किसानी भी बड़ा मुद्दा है, आप कुरुक्षेत्र सीट से हैं, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट देखते हैं आप? सबसे पहले किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था पीपली से शुरू हुआ। पीपली में पहला लाठीचार्ज किया पुलिस ने और पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडे थे उस लाठीचार्ज। उस आंदोलन में जैसी लाठीचार्ज हुआ, जैसी खबर आई, मैं तुरंत पीपली पहुंचा, धरने पे बैठे किसानों के साथ बैठ गया और हाउस के अंदर में मैंने ही इस मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने का काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों वाला ही है। यहाँ का किसान पूर्ण रूप से आंदोलन के साथ रहे, आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। आज सत्ता में बैठे लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जो दिया है उसमें आज भी किसान का जिक्र नहीं है। आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसान के लिए आगे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। केवल किसान का नाम लिया जाता है लेकिन किसान को परेशान किया जाता है। किसान बड़ी सबक सिखाएगा कांग्रेस को भी और भाजपा को। ये जो तीन काले कानून बने थे इनकी रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार करी थी। ये कांग्रेस की वजह से ही तीनों काले कानून आए थे। कांग्रेस इनको लेकर के आई, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेकिन उसको पास इसलिए नहीं करवा सके लोकसभा में कि लोकसभा में इनके साथ जो अन्य रीजनल पार्टियों के मेंबर्स थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं, इस इशू पे आपकी सरकार गिरे तो गिरे, हमें कोई मतलब नहीं। तब इन्होंने वापस लिया। भाजपा पे पूर्ण बहुमत था, इन्होंने इसको पहले अध्यादेश जारी किया और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया। लेकिन इस बार के चुनावी रण में आप पर आरोप है कि आप बी टीम बन के घूम रही है, आप बी टीम है। हुड्डा भी यही कहते हैं। अब हम अगर बीजेपी की बात करें वो भी ये कहते हैं कि आप तो वोट कटाऊ हैं। दोनों मुझे कहते हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं। ए और बी दोनों ही हैं। हुड्डा को और मनोहर लाल को दोनों को मेरे सामने बिठाओ और मेरी बात का एक का भी ठीक से जवाब दे दे। आप ही पूछ लेना मेरी तरफ से। हुड्डा से ये पूछ लो कि तैने राज्यसभा का वोट सुभाष चंद्रा के पक्ष में डाला था कि नहीं डाला। तैने बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ा। तैने आरके आनंद को वोट क्यों नहीं दिया। आरके आनंद कांग्रेस का हमारा साझा उम्मीदवार था। हुड्डा उस वक्त कांग्रेस का लीडर था, मैं अपोजिशन लीडर था जी। तो फिर उस वक्त शाही क्यों बदलाई पहन की, क्यों बेईमानी करी, सिर्फ इसलिए कि भाजपा ने डरा लिया था। बाद में अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा ने हाथ क्यों मिलाया। तब आप तो अभी भी आरोप लगा रहे कि अभी भी साठ गांठ है, करनाल सीट पे कमजोर उम्मीदवार उतार दिया। आपके सामने है, ये कोई छुपी बात थोड़ी है। हर आदमी को इस बात का पता है। करनाल के अंदर सबसे मजबूत कैंडिडेट जो था वीरेंद्र मराठा था और वीरेंद्र मराठा को कैंडिडेट बनाने के बजाय कैसे मनोहर लाल खट्टर को जिताया जाए उसके लिए कमजोर आदमी दिया। तो आपको लगता है कि रोहतक सीट जिताने के लिए करनाल सीट पे कुर्बानी दे दी। रोहतक सीट जिताने के लिए तो इसने जाटों को मार दिया केवल अपने बेटे को स्थापित करने के लिए। आप ये देखो सारी जाट लीडरशिप इसने खत्म कर दी। जो जो कांग्रेस में कोई छोटा मोटा उभरता हुआ चेहरा था उसको इसने राजनीतिक तौर पर मारा। सिर्फ अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है। ठीक है, लेकिन हम ट्रैक्टर पे बैठे खेत किसानी की बात होती है, ट्रैक्टर का जिक्र होता है। आंदोलन भी हुआ, हमें पता है किस तरह से आंदोलन हुआ था। लेकिन जो आपके सामने उम्मीदवार हैं नवीन जिंदल, वो गेहूं का कट्टा उठा रहे, किसान बन रहे हैं। सुशील गुप्ता गेहूं काट रहे हैं। सुनने वाली बात है जी। जिसके अपने हेलीकॉप्टर है, अपने हवाई जहाज है, ऐश्वर्याम की जिंदगी जीता है, 25 दिन विदेशों में रहता है, प्राइवेट जेट में चलता है। इस मोदी ने उसको पल्लेदार बना दिया। दूसरा एक गेहूं काटता फिर रहा है खेत के अंदर, जिसके पास अरबों रुपए है, जिसका हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है, कभी एक दिन हरियाणा में आया नहीं। आपने मेरे साथ 3 गांव के प्रोग्राम देखे हैं। मैंने गांव में पूछा है खुल करके, गुप्ता को कभी देखा है? हर आदमी कहता हमने नहीं देखा। मैंने पूछा आप मुझे जानते हो? बच्चा बच्चा कहता है कि हम आपको जानते हैं, हम आपको रोज विधानसभा में देखते हैं, आप रोजाना कुरुक्षेत्र में आते हो, कार्यकर्ताओं की बैठक करते हो, हम भी उसमें जाते हैं। ये फर्क है। आपने कुरुक्षेत्र सीट को क्यों चुना? आप किसी और सीट पर जा सकते थे। अगर कुरुक्षेत्र सीट को हम छोड़ दें तो कौन सी ऐसी सीट थी जहां आप चुनाव लड़ना चाहते थे? मैं हरियाणा में कहीं से भी लड़ सकता हूं, हमारी अपनी पार्टी का कैडर है। लेकिन मुझे कुरुक्षेत्र इसलिए लड़ा मैं कि कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ था। कुरुक्षेत्र में न्याय और अन्याय गिर रही थी। आज न्याय और अन्याय गिर रही है। आज कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर के रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। हम रीजनल पार्टियों को तो खड़ा करना ही चाहते हैं अपना, वहाँ लोगों को, ये मिलकर के मारने वाले लोग हैं, इनको मारना चाहते हैं। आप कह रहे कि ये न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कुरुक्षेत्र में आकर, लेकिन विरोधी आपके कह रहे हैं कि आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेजेपी पर ये आरोप है, आपकी पार्टी के ऊपर भी यही आरोप है कि वो कहीं कंपटीशन में नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई, उनकी लड़ाई अपने आप से है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, किसका वजूद है किसका वजूद खत्म हो गया 4 को लोग बता देंगे। मैं बेहुदे लोगों की बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। आपको लगता है कि राम मंदिर हरियाणा में मुद्दा है या सिर्फ मोदी चेहरा जिसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? बात होनी चाहिए कि आपने 9.5 साल में क्या किया या फिर केंद्र में क्या किया। वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, हमारे पास मोदी है। विपक्ष के पास लीडरशिप की तो कमी है। मोदी जी जो राम मंदिर की बात करते हैं, तो फिर मोदी कहाँ गया, राम मंदिर ही आ गया। राम मंदिर इन्होंने तब बनाया है, हमारे तो पीढ़ियों से घरों में राम मंदिर है। हमने तो पैदा हुए आँख खोली, हमारे तो बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले उसको मंदिर में ले जाकर के मत्था टिकवाते हैं, आशीर्वाद दिलवाते हैं। इनके ना विचारों के बच्चे हैं, ना इनका भविष्य में कोई आगे कोई इस तरह का होने वाली चीज़ है। ये केवल दिखावा है। हर आदमी अब इनसे उब चुका है। अब ना मोदी मुद्दा है और ना राम मंदिर है। अब तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। गारंटी बताए श्री क्या है वो बता नहीं सकते। केवल झूठ का सहारा लेकर के झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोग हैं। अब ये बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो चुका है। मैंने ये सवाल दूसरे उम्मीदवारों से पूछा। हम खड़े कुरुक्षेत्र में, 3 जनसभाएं मैंने आपकी देखी, तो 3 जनसभाओं में लोगों के मन में एक टीस है, एक दर्द है कि बेरोजगारी है। यहाँ के युवा 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़ जमीन बेच बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं लोग। इस मुद्दे को उठाएंगे? मैंने ये मुद्दा विधानसभा में सबसे पहले उठाया। मैंने जब परिवर्तन यात्रा करी तब मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा। मैं गांव में गया तो लोगों ने मुझे बताया कि गांव के गांव खाली हो गए। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई पूरे जोर से। आपको नहीं लगता कि मुद्दों से दूर राजनीति हो रही है? बयानबाजी पे राजनीति हो रही है, चुनाव बयानबाजी पे लड़ा जा रहा है, मंगलसूत्र की बात होती है, पाकिस्तान पर अटैक की बात होती है। मुद्दे तो है ही नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अब तो केवल सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। अब तो मुद्दे रात रात में बनाए जाते हैं, झूठ की राजनीति कर दी। राजनीति थी चौधरी देवीलाल के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। अब नहीं है राजनीति। अब तो राजनेताओं से लोग नफरत करते हैं एक तरह से। किसी भी नौजवान पढ़े लिखे बच्चे को रोक के पूछो कि तेरे को कौन सा नेता पसंद है, सीधा सीधा कहेंगे कोई भी पसंद नहीं है, एक को भी नहीं पसंद करते, सब झूठ बोलते हैं। अब खत्म होगी राजनीति। अब तो झूठ का सहारा लेकर के राजनीति करने वाले लोग हैं। इनेलो की कितनी सीटें माने 4 तारीख को? अब 4 को नतीजा आएगा। मैं ये मानता हूँ सबसे ज्यादा सीट हम ही जीतेंगे हरियाणा। मुकाबला किससे, किसके बीच मुकाबला है? और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हरियाणा में? कोई चेहरा मुद्दा है, मोदी मुद्दा है, या फिर पहलवानों का, महिला पहलवानों का मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा है, मुद्दा क्या है हरियाणा में? मैंने बताया ना कि हरियाणा प्रदेश में 20 से ज्यादा बड़े घोटाले हैं। यहाँ नशा मुद्दा है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, कारोबारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन बदमाश थ्रेट करते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसा नहीं देते तो उसके दुकान पे, उसके मकान पे, उसकी एजेंसी पे जाकर के गोलियां चला। माफ कीजिए मैं बीच में रोक रही हूँ। नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ा सवाल, आपने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, आपको खुद को थ्रेट मिला, आपको, आप सिक्योरिटी के लिए हाईकोर्ट तक गए। ये गंभीर मुद्दा है, ये दूसरे लोगों ने भी चिंता जताई। सरकार का स्टैंड जो है उस पर आप क्या कहेंगे? आप इस चीज से अंदाजा लगा सकती है कि सरकार नहीं है। अगर सरकार हो तो किसी बदमाश की हिम्मत नहीं है। हमारी भी गवर्नमेंट थी, किसी की इस तरह से सरेआम हत्या नहीं होती थी, किसी को थ्रेट नहीं मिलता था। बदमाश जो है हरियाणा छोड़ करके चले गए थे। अब तो जगह जगह पे बदमाश घूम रहे। अब तो परवाही नहीं करते किसको थ्रेट करनी है, किसको पैसा मांगना है। आपने बार बार सदन में हमने देखा, जब भी आप बोलते, आप पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पे करप्शन के आरोप लगाते थे। अब ये करप्शन के ऊपर बहुत बयानबाजी हो रही है कि शिकायत आएगी तो जाँच करेंगे, शिकायत आएगी तो जाँच करेंगे। तो जाँच होनी चाहिए ना। जांच कराने वाले कौन है? ये 4.5 साल जिनके साथ रहे, कोई जांच की बात करते हैं? जांच करेंगे, दोनों मरेंगे। जांच तो हम कराएंगे जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी। ये कोई जांच नहीं कराएंगे, ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, झूठ बोलने, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश आज भी मिले हुए। जो विरोध हो रहा है, किसान बार बार विरोध करे, हर गांव में विरोध करे बीजेपी का, जेजेपी का, या तो कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि कांग्रेस के लोग हैं इसमें, या फिर इनेलो के लोगों के ऊपर आरोप है कि वो धमकी देते हैं, बदतमीजी करते हैं, विरोध करते हैं, किसान नहीं है वो। आप मुझे ये बताओ, जो विरोध करेगा वो इनकी पार्टी का तो नहीं होगा, वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होगा, वो परेशान होगा तब विरोध करता होगा। मैं तो खूब खुल के कहता हूँ कि विरोध करने वाला हमारी पार्टी का है, क्योंकि हम किसान आंदोलन में सबसे बड़ा हिस्सा थे। हमने किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाई, हमने बहुत नजदीक से देखा कि किसान कितने परेशान हैं। हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन करेगा इनका विरोध? हम तो ये तो पुलिस गार्ड लेकर के घूमते हैं, इसलिए अभी तक ठीक ठाक घूम रहे हैं। जिस दिन पुलिस गार्ड इनके साथ नहीं होंगे, आप देखना इनको जूतों से पीटेंगे, जूतों की माला डालेंगे, मुंह काला करेंगे, इनके साथ तो बहुत कुछ होना है। आप कह रहे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, ये इनको मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरे सामने आए, किन मुद्दों पे बात करेंगे, क्या क्या चैलेंज है उनको? चैलेंज दे रहे न्यूज़18 के माध्यम से। मैं कहता हूँ मुद्दे मुद्दे आप लाओ तो सही। आएंगे नहीं। नायब को बुलाओ, मनोहर लाल को बुलाओ, भूपेंद्र को बुलाओ, जिसको मर्जी बुलाओ, मेरे 4 सवालों का जवाब देंगे। मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। चलिए, आपके पास आपसे मिलने या चैलेंज के लिए वो ना आए सही, लेकिन न्यूज़18 के माध्यम से वो 4 बातें चैलेंज करें, हमें मौका मिलेगा, हम पूछेंगे आपकी तरफ से। पहले एक बार आप उनसे बात करो, वो अगर आपको ना कर दे, फिर आ जाना, फिर चारों बता दूंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे। कुरुक्षेत्र से जनता ने साथ दिया, संसद में भेजा आपको, तो पहला वादा क्या पूरा करेंगे उनका, क्या करेंगे कुरुक्षेत्र के लिए आप? सबसे पहले किसानों का जो मुद्दा है, जो इश्यूज है, मेरा सबसे पहला सवाल लोकसभा में यही होगा कि आपकी सरकार ने किसान के लिए क्या किया। कांग्रेस से पूछूंगा कि आपने 70 साल में किसान के साथ धोखा क्यों किया। मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एक बार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह को कैबिनेट से निकाल दिया था, चौधरी देवीलाल ने उनका जन्मदिन मनाया था, उनको बुला करके कहा था कि आप मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है, आप सत्ता से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ, मुझे धमकी मत दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे भी रगों में उन्हीं का खून है, आप चिंता मत करो, मैं किसान की लड़ाई लड़ूंगा। जा जाते मुझे एक और सवाल याद आ गया, मुझे लगता है वो मुझे पूछ लेना चाहिए। यहाँ नवीन जिंदल जी आपके सामने है, कांग्रेस की राजनीति किस परिवार ने, उसके बाद ये लोग बीजेपी में आ गए इस चुनाव में। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पूरे देश में ऐसे कि रात दिन में ही फर्क पता नहीं लगता कौन सी पार्टी में कोई चला गया। ये हो क्या रहा है? पहले जिस शख्स पर आप इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, अगले दिन वो आपकी पार्टी का उम्मीदवार है। ये ईडी का खेल है, सीबीआई का खेल है, एजेंसियों का खेल है। ये डर दिखा करके लोगों को राजनीतिक तौर के ऊपर अपने साथ शामिल करते हैं, इनसे पैसा भी लेते हैं, पहले पैसा लेते हैं, फिर इनको डंडा दिखाते हैं, फिर इनको चुनाव मैदान में उतारते हैं, फिर इनको पल्लेदार बनाते हैं। ये हालत है आज। लेकिन जनता समझती है कि ये सब खेल क्यों और कैसे खेला जा रहा है, क्योंकि वोट तो जनता ने देने हैं, जनता समझती है इस राजनीति के खेल को। अब नई पीढ़ी के लोग जो है वो बहुत समझदार है, उनको अच्छे से पता है कि तुमने इनका किस तरह से इलाज करना है, करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह चौटाला जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, इस कुरुक्षेत्र के रण में उतरे हैं। आप कहते हैं कि महाभारत का युद्ध न्याय की लड़ाई थी, तो ये युद्ध भी चुनावी है लेकिन न्याय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।